IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBN 7। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन सारा देश 100 खबरों में। मैं हूं पंकज। नमस्कार, और मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। हम आपके लेकर आए हैं एक ऐसा शो जिसमें होंगी देश भर की 100 बड़ी खबरें। तो आइए शुरुआत करते हैं सारा देश 100 खबरों। आज दिल्ली में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। सभी पार्टियां आज पूरी ताकत के साथ मतदाताओं को अपने पक्ष में वोट डालने के लिए अपील करती नजर आएंगी। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी दलों के नेता ताबड़तोड़ प्रचार करेंगे। विधानसभा चुनाव के लिए 7 फरवरी को वोट डाले जाने हैं। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन अमित शाह आज कई रोड शो और रैलियां करेंगे। दोपहर 12 बजे शाह जे कॉलोनी और मदनपुर खादर में रैलियां करेंगे। इसके अलावा दोपहर 1:30 बजे सदर बाजार में लोगों से मुलाकात करेंगे। चुनाव के मद्देनजर बुधवार देर रात बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने दिल्ली बीजेपी नेताओं से मुलाकात की और रणनीति पर चर्चा की। शाह ने नेताओं का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि चुनाव पूल सर्वे से डरने की जरूरत नहीं। शाह ने बीजेपी की जीत का दावा किया। आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल आज नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करेंगे। आम आदमी पार्टी ने जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। चुनाव पूर्व सर्वे में आम आदमी पार्टी और बीजेपी में कांटे की टक्कर है। और आज एक बार फिर से बीजेपी अरविंद केजरीवाल से 5 सवाल पूछेगी। पिछले कुछ दिनों से रोज बीजेपी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केजरीवाल से 5 सवाल पूछती है। 5 सवाल पूछने के बाद आज बीजेपी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जमकर आरोप और प्रत्यारोप होने की संभावना है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। बुधवार रात 8 बजे के करीब संगम विहार इलाके में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत की खबर के बाद भारी संख्या में पुलिस बल वहां पहुंच गई और हालात को काबू में किया। दोनों पार्टियों के नेताओं ने इस झड़प के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के पहले पुलिस की छापेमारी जारी है। पुलिस की सूचना मिली थी कि मायापुरी के 2 गोदामों में शराब जमा की जा रही है। सूचना के बाद दिल्ली पुलिस ने चुनाव आयोग की टीम के साथ छापेमारी की और 2 गोदामों से 61 पेटी शराब बरामद की। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। गौरतलब है कि चंद दिनों पहले भी पुलिस ने पश्चिमी दिल्ली से शराब बरामद की थी, जिसे आम आदमी पार्टी के एक प्रत्याशी के रिश्तेदार का बताया गया। दिल्ली पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक एक्सिट कार से करीब 1200 बोतल शराब बरामद की है। पुलिस ने ड्राइवर सहित 2 लोगों को शराब तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। पीएम मोदी ने कल दिल्ली के अंबेडकर नगर में अपनी आखिरी रैली की। पीएम मोदी ने अपनी सरकार की उपलब्धियों का विस्तार से जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमारी पूर्ण बहुमत वाली सरकार से आज दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अस्थिरता से दिल्ली को बड़ा नुकसान हो रहा है। मोदी ने यह भी कहा कि सरकार गरीबों को झुग्गियों की जगह पक्का मकान देगी। पीएम ने सभी के लिए मकान में बिजली, पानी और शौचालय को जरूरी बताया। कई चुनावी सर्वे में दिल्ली में आम आदमी पार्टी को ज्यादा सीटें मिलने की संभावना जताए जाने के बाद पीएम मोदी ने सभी सर्वे को नकार दिया। मोदी ने आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं पर नाम लिए बिना तीखा हमला बोला। पीएम ने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में भी कुछ बाजारू लोगों ने सर्वेक्षण पेश करके खुद को 50 सीटें दी थी, लेकिन नतीजे आए तो दिल्ली में वो सबसे बड़ी पार्टी भी नहीं बन पाए। अंबेडकर नगर में पीएम ने आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल का बिना नाम लिए बोला कि लोकसभा चुनाव में वाराणसी सीट से चुनाव में उनके हारने की घोषणा की गई थी, लेकिन नतीजा सबके सामने है। चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल द्वारा जाहिर की गई आशंकाओं को खारिज किया कि 7 फरवरी को होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनावों में बीजेपी के पक्ष में कुछ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़ की गई है। चुनाव आयोग ने कहा कि मशीन के सॉफ्टवेयर के साथ ऐसी कोई छेड़छाड़ नहीं की गई जिनसे रिजल्ट्स प्रभावित हो सके। आयोग ने कहा कि 3 कंट्रोल यूनिट और 4 बैलेट यूनिट के लॉक संभवतः मशीनों को लाए जाने के दौरान टूट गए और इन मशीनों को पर्यवेक्षक की मौजूदगी में बदला गया। चुनाव आयोग के प्रेस नोट के बाद अरविंद केजरीवाल ने बताया कि आयोग ने ईवीएम के मुद्दे पर हमारे सभी संदेहों को दूर कर दिया है। केजरीवाल ने कल दावा किया था कि दिल्ली के अंत इलाके में 4 मशीनों के निरीक्षण के दौरान खामियां पाई गई। दिल्ली में बीजेपी की सीएम उम्मीदवार किरण बेदी ने अरविंद केजरीवाल पर जोरदार हमला बोला है। किरण ने कहा कि वो केजरीवाल को काफी दिनों से जानती हैं। किरण के मुताबिक केजरीवाल सिर्फ मीडिया में रहने के लिए खुद को जेल भेजने की बात कर रहे हैं।
साथ ही किरण बेदी ने यह भी कहा कि उनके पास सिवाय झूठ देने के लिए कुछ भी नहीं है। किरण बेदी ने लोगों से अपील की कि वो गुमराह ना हो। बीजेपी की तरफ से लगातार हो रहे हमले का जवाब देते हुए एक बार फिर केजरीवाल ने खुद को गिरफ्तार करने की चुनौती दी। केजरीवाल ने वित्त मंत्री अरुण जेटली को चुनौती देते हुए कहा कि अगर हमने गड़बड़ की है तो हमें गिरफ्तार करें। वहीं किरण बेदी का जवाब देते हुए केजरीवाल ने कहा कि वो आंखों में आंखें डालकर कह दें कि केजरीवाल बेईमान हैं। केजरीवाल के मुताबिक वो बेदी को बड़ी बहन की तरह मानते हैं और उनका सम्मान करते हैं। इधर बुधवार को अपनी विधानसभा सीट कृष्णनगर में प्रचार के दौरान बीजेपी की सीएम उम्मीदवार किरण बेदी भावुक हो गई। किरण ने कहा कि मैं लोगों को उनके प्यार के लिए धन्यवाद दे दिया। किरण बेदी इतनी भावुक हो गई कि उनकी आंखों में आंसू निकल आए। किरण ने कहा कि वो लोगों के प्यार का जवाब खो सूद समेत लौटाएंगे। किरण के रोड शो के दौरान सैकड़ों की संख्या में लोग जुटे थे। दिल्ली चुनावों में किस पार्टी को मिलेंगी कितनी सीटें और कौन सत्ता की कुर्सी के नजदीक होगा, इसे लेकर आईवीएन 7 सुपर सर्वे लेकर आया है। दिल्ली चुनावों के लिए आईवीएन 7 के सुपर सर्वे में डाटा मैनेरिया ने दिल्ली में बीजेपी को बहुमत दिया। डाटा मैनेरिया के मुताबिक बीजेपी को 36, आम आदमी पार्टी को 27 और कांग्रेस को 7 सीटें मिलने का अनुमान है। बुधवार को कुछ लोग मीडिया के सामने आए। इनका यह दावा था कि आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन अब उन्हें अब इस अपनी भूल का एहसास हुआ है। इन लोगों ने कैमरों के सामने बाकायदा कान पकड़े अपनी भूल के लिए माफी मांगी। उधर मध्य प्रदेश में स्थानीय नगर निकाय चुनाव में चला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जादू। 4 बड़े शहरों के नगर निगम चुनाव बीजेपी ने जीते। 5 नगर परिषद चुनाव में 3 पर बीजेपी और 2 पर कांग्रेस की जीत। मेयर पद के लिए भोपाल से बीजेपी के आलोक शर्मा, इंदौर से मालिनी गौर, जबलपुर से स्वाति गोडबोले और छिंदवाड़ा से कांता सदानंद ने जीत हासिल की है। नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी के बीच की खाई ज्यादा गहरी हो गई है। कल हुई नेताओं की एक अहम बैठक में मांझी नहीं पहुंचे। मांझी के नहीं पहुंचने पर पूछे गए सवालों को जेडीयू नेताओं ने उस पर से कर निकाली। दरअसल नीतीश कुमार ने सभी सांसदों और 2014 के लोकसभा उम्मीदवारों की बैठक अपने आवास पर बुलाई थी। मांझी खुद गया से जेडीयू के उम्मीदवार थे, लेकिन पटना में होने के बावजूद वो बैठक में नहीं पहुंचे। दिन भर हुई सियासी उठापटक के बाद मांझी ने जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव से मुलाकात की। इस मीटिंग का एजेंडा पूछे जाने पर शरद यादव ने कहा कि यह पार्टी का अंदरूनी मामला है और वो इस मामले में कुछ भी नहीं बोले। 14 फरवरी से बिहार बचाओ आंदोलन की शुरुआत की झलक बाढ़ में देखने को उस वक्त मिली जब जेडीयू के बागी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव पर जमकर निशाना साधा। ज्ञानू ने लोगों से केंद्र की तरह ही बिहार में भी पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाने की अपील की। ज्ञानू ने बताया कि वो 14 फरवरी से बिहार के हर जिले में घूम घूम कर नीतीश और लालू की पोल खोलेंगे। झारखंड की रघुवर दास सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सहयोगी दल आजसू नाराज बताई जा रही है। वहीं बीजेपी का यह कहना है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में नेताओं के व्यस्त होने के चलते आला नेताओं से बातचीत नहीं हो पा रही। बेंगलुरु में बीएसपी नेता प्रवीण तोगड़िया की एंट्री पर बैन लगाने के विरोध में बीजेपी ने कर्नाटक विधानसभा में जमकर हंगामा किया। विरोध के मद्देनजर सदन को एक दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर ने बीएसपी नेता प्रवीण तोगड़िया के शहर में प्रवेश कर 7 दिन के लिए रोक लगा दी है। तोगड़िया को 5 से 11 फरवरी तक बेंगलुरु पुलिस कमिश्नरी की सीमा में दाखिल होने की इजाजत नहीं है। भारत और बांग्लादेश के बीच एक संधि पर दस्तखत किए गए। इस संधि के बाद अब भारत और बांग्लादेश बॉर्डर इलाकों में होने वाले अपराध के लिए रियल टाइम जानकारियों का आदान प्रदान करेंगे। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने यह कहा है कि महिलाओं के विरुद्ध हो बढ़ते जो अपराध है उनको रोकने के लिए उत्तर प्रदेश में भी गुजरात और हरियाणा की तर्ज पर पुलिस बलों में 30% महिलाओं की भर्ती होनी चाहिए। केरल काडर के 1979 बैच के अफसर एलसी गोयल देश के नए गृह सचिव होंगे। उन्हें अनिल गोस्वामी की जगह पर तैनात किया गया है। बुधवार देर रात शारदा चिटफंड घोटाले के आरोपी पूर्व केंद्रीय मंत्री लतंग सिंह की गिरफ्तारी विवाद में गोस्वामी की छुट्टी कर दी गई। इसके पहले गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अनिल गोस्वामी और सीबीआई निदेशक अनिल सिन्हा को तलब किया था। दरअसल गृह मंत्रालय के आला अधिकारी ने मतंग सिंह की गिरफ्तारी रोकने के लिए सीबीआई को फोन किया था। इस बीच अनिल गोस्वामी ने पीएम अधिकारियों से मुलाकात कर अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि उनकी कोई गलती नहीं थी, उन्हें फोन मतंग सिंह ने किए थे। महात्मा गांधी के हथियारे नाथूराम गोडसे को लेकर एक बार फिर से बवाल शुरू हो गया है। अलवर में एक ओवरब्रिज का नामकरण कुछ लोगों ने गोडसे के नाम पर कर दिया। उद्घाटन से पहले ही नामकरण पट्टी पर गोडसे के नाम का पोस्टर चिपका दिया गया। आनंद फानंद में यह पोस्टर हटाया गया और अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। पुलिस ने अलवर बिजली विभाग के ठेकेदार नीरज शर्मा को हिरासत में लिया है।
इस बीच जिला कलेक्टर महावीर स्वामी का यह कहना है कि कुछ असामाजिक तत्व माहौल खराब करने के लिए ऐसी हरकत कर रखे हैं। उन्होंने इस मामले की जांच की बात कही। कॉमेडी शो एआईबी नॉकआउट का गाली गलौच और फुहड़ता भरा वीडियो विवादों में है। इसके खिलाफ एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इन लोगों ने शो में शामिल करण जौहर, रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर के पुतले भी फूंके। कॉमेडी शो एआईबी नॉकआउट के खिलाफ मुंबई में आरपीआई कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इसी बीच एआईबी का शो कैंसिल कर दिया गया। उधर जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले का गुजारबल गांव, जो पिछले 20 साल से बिजली जैसी बुनियादी सुविधा से महरूम था, अब वो गांव बिजली से रोशन होगा। आईवीन 7 पर खबर चलने के बाद जिला प्रशासन गांव तक बिजली पहुंचाने के काम में जुटा है। दरअसल 1992 में बांदीपुरा के मधुमती नदी में अचानक बाढ़ आने से नदी के किनारे बसा गांव गुजारबल इसकी चपेट में आया और 90% रिहायशी घर बाढ़ में बह गए और बिजली के खंभे और ट्रांसफार्मर्स भी पूरी तरह से बर्बाद हो गए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज वाईफाई कोलकाता अभियान का उद्घाटन करेंगी। ममता सरकार का दावा है कि अगले 2 से 3 महीनों में कोलकाता देश का पूर्णतः वाईफाई युक्त पहला महानगर होगा। जयपुर के एक सरकारी स्कूल की छात्राएं सड़कों पर उतर आई। छात्राओं के प्रदर्शन के चलते जाम लग गया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि महाराजा स्कूल की जमीन को लेकर विवाद चल रहा है और मामला कोर्ट में है। कोर्ट के फैसले के बाद स्कूल के एक हिस्से पर कब्जे की अफवाह उड़ी, जिसके बाद छात्राएं उग्र हो गई। हरिद्वार के कंखल इलाके में मादा गुलजार के दिखने के बाद अफरा तफरी मच गई। घटना की खबर मिलते ही आनंद पालन में वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। फिर 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने ट्रैंकलाइजर की मदद से गुलदार पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि राजाजी नेशनल पार्क से मादा गुलदार खाने की खोज में शहर की तरफ आ गई थी। झारखंड बिजली बोर्ड को रसूखदार उद्योगपति और रईसों ने कंगाल बना दिया है। बिजली बिल के करोड़ों रुपए उद्योगपतियों ने दबा रखे हैं, जिसके चलते झारखंड बिजली बोर्ड इन दिनों गंभीर आर्थिक संकट झेल रहा है। और अब पैसों की तंगी के कारण ओवरड्राफ्ट का सहारा लेना पड़ रहा है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब झारखंड हाईकोर्ट ने बोर्ड और सरकार से बिजली बिल के बकायेदारों की लिस्ट तलब की। इस लिस्ट में कई बड़े इंडस्ट्रीज के नाम शामिल थे। पंचकुला के रहने वाले 14 साल के मनदीप की चंडीगढ़ पीजीआई में मौत हो गई। परिजनों ने स्वास्थ्य विभाग का इलाज में लापरवाही बरतने के आरोप लगाए हैं। परिजनों का यह कहना है कि मनदीप का इलाज पीजीआई में स्वाइन फ्लू वाला किया गया। उधर लातेहार से महज 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित उदयपुरा गांव में झारखंड जनसंघर्ष मुक्ति मोर्चा संगठन ने उत्पात मचाते हुए लेवी की मांग को लेकर एक जेसीबी मशीन को आग के हवाले कर दिया। वहीं ग्रामीणों की पिटाई भी की। वडोदरा में निवेश भट्ट नाम के एक शख्स ने एक अनोखा हेलमेट बनाया। इस हेलमेट की खास बात यह है कि इस हेलमेट को पहनने के बाद ही बाइक स्टार्ट हो पाएगी। इस अनोखे हेलमेट का ईजाद करने वाला यह शख्स पेशे से मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता है। एशिया की सबसे बड़ी घड़ी अब ठीक होकर फिर से टाइम बताने लगी है। एशिया की सबसे बड़ी घड़ी 2009 में सूरत के बगीचे में लगी थी। कुछ दिनों बाद ये चलनी बंद हो गई थी। देश भर में स्वाइन फ्लू का कहर जारी है। अकेले दिल्ली में बुधवार को स्वाइन फ्लू में 77 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। इन्हें मिलाकर दिल्ली में अब कुल 648 मामले हो चुके हैं। उधर राजस्थान में स्वाइन फ्लू से हो रही मौत के लिए वहां की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने लोगों को ही जिम्मेदार ठहराया। वसुंधरा ने कहा कि राज्य सरकार लोगों को इलाज उपलब्ध करवा रही है और सूबे के अस्पतालों में मुफ्त में टेस्ट भी हो रहे हैं, लेकिन स्वाइन फ्लू के शिकार लोग आखिर में ही अस्पताल आते हैं। वसुंधरा राजे ने यह भी दावा किया कि राज्य सरकार लगातार लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है, लेकिन लोग मानते ही नहीं है। आपको बता दें कि महीने भर में राजस्थान में स्वाइन फ्लू से करीब 7 मौत हो चुकी है। हालांकि प्रशासन ने इससे निपटने के लिए कई उपाय किए हैं। जयपुर के सरकारी अस्पतालों में स्वाइन फ्लू के मरीजों के लिए अलग से वार्ड बनाए गए हैं। जयपुर जिला प्रशासन के अधिक अधिकारी स्वाइन फ्लू को लेकर लापरवाही बरते नजर आ रहे हैं। जयपुर के कलेक्टर ने स्वाइन फ्लू की नियमित मॉनिटरिंग नहीं करने और हाउस सर्वे रिपोर्ट नहीं बनाने को लेकर लापरवाही मानते हुए 5 ब्लॉक ऑफिसर्स को नोटिस थमाकर 3 दिन में स्पष्टीकरण मांगा है। मध्य प्रदेश में स्वाइन फ्लू से सुरक्षा के दावों की पोल खुल गई। देवास के अस्पतालों में स्वाइन फ्लू से 3 मौत से हड़कंप है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग अब भी ये मानने को तैयार नहीं है कि ये मौत स्वाइन फ्लू से हुई है। इंदौर में स्वाइन फ्लू से पिछले 24 घंटे में हुई 4 मरीजों की मौत हो गई। इसके साथ ही अब तक स्वाइन फ्लू के चलते मरीजों की मौत की संख्या 18 तक पहुंच गई है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सारा देश 100 खबरें। आप हैं हिमानी और पंकज के साथ। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं।
केंद्र सरकार पीपीएफ में लॉक इन पीरियड बढ़ाकर 8 साल कर सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि निवेशक 8 साल के पहले इस खाते से पैसा नहीं निकाल पाएंगे। इस बारे में बजट के पहले ऐलान हो सकता है। और नोएडा और ग्रेटर नोएडा में घर बनाना महंगा हो सकता है। दोनों प्राधिकरणों की बैठक में लिए गए फैसले के मुताबिक जमीन आवंटन की दरों में 3.5% से लेकर 100% तक की बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली के मशहूर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में दाखिले की प्रक्रिया 6 फरवरी से शुरू होगी। ऑनलाइन आवेदन 6 फरवरी से लेकर 30 मार्च तक किया जाएगा। भारत अरबपतियों की संख्या के लिहाज से पहली बार दुनिया के 3 टॉप देशों में शामिल हो गया है। रिचलिस्ट इंडिया में रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रमुख मुकेश अंबानी शीर्ष पर है। इधर गोवा पुलिस ने रविवार को हुई 2 महिलाओं की हत्या की गुत्थी सुलझाने का दावा किया है। सास और ननद की हत्या के आरोप में पुलिस ने बहू को गिरफ्तार किया है। सोमवार को पुलिस ने जब कड़ाई से पूछताछ की तो वो टूट गई और उसने अपना गुनाह कबूल लिया। महिला का कहना है कि उसे टीवी सीरियल से मर्डर का प्लान मिला। मुंबई की अंबोली पुलिस ने मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर इस्माइल दरबार को अपने ही कर्मचारी के साथ मारपीट के आरोप में गिरफ्तार किया। हालांकि बाद में उन्हें 10,000 के निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया। इस्माइल दरबार, उनके बेटे और उसके 2 दोस्तों पर कंपनी के कर्मचारी के साथ मारपीट करने का आरोप है। संगीतकार इस्माइल दरबार ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया। गुड़गांव में मेडिकल की छात्रा ने हॉस्टल के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पायल नाम की यह छात्रा मेडिकल फाइनल ईयर की छात्रा थी। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बर्दवान धमाका मामले में पुलिस ने कल एक संदिग्ध को कोर्ट में पेश किया। इससे मंगलवार को गिरफ्तार किया गया था। बताया जा रहा है कि संदिग्ध का संबंध बांग्लादेश की जमात उल मुजाहिदीन से था। राजस्थान के भीलवाला में एक दलित परिवार ने जिला कलेक्टर से इच्छा मृत्यु की मांग की है। परिवार का आरोप है कि उनकी बेशकीमती जमीन हथियाने के लिए भूमाफिया और पुलिस मिलकर तंग कर रखे हैं। परिवार ने पुलिस पर आरोप भी लगाया कि वो आए दिन उन्हें धमकाते रहते हैं और किसी भी समय और बिना कारण हिरासत में लिया जाता है। छेड़छाड़ से परेशान होकर मध्यप्रदेश के छतरपुर में 9वीं कक्षा की एक छात्रा ने खुदकुशी कर ली। दरअसल कुछ दिनों पहले इस छात्रा के साथ स्कूल जाते वक्त 2 छात्रों ने छेड़छाड़ की थी। इसकी शिकायत पर पुलिस ने एक मंचले को पकड़कर जेल भेज दिया, लेकिन दूसरा फरार हो गया। परेशानी इतनी बड़ी कि उसने फांसी के फंदे से लटक कर जान दे दी। उसने एक सुसाइड नोट भी लिखा जिसके आधार पर पुलिस जांच कर रही है। पंजाब के गुरदासपुर में एक भाई ने अपनी बहन के साथ हुई बलात्कार की वारदात का बदला लेने के लिए एक वेश्याना हरकत को अंजाम दिया। उसने बहन के साथ रेप करने वाले आरोपी की बहन को निशाना बनाया और अपने साथियों के साथ मिलकर उसके साथ गैंग रेप किया। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अभी तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। गुजरात के भरूच के पास बड़ा रेल हादसा टल गया। रेलवे ट्रैक पर स्लीपर रखकर ट्रेन को डीरेल करने की असामाजिक तत्वों की कोशिश नाकाम हो गई। प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में मामूली विवाद को लेकर पीट पीट कर एक 12 साल के किशोर की हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप गांव के एक परिवार पर लगाया। बताया जा रहा है कि मक्की की फसल पर मवेशी के चरने से परिवार नाराज था। चित्तौड़गढ़ में आपसी कहासुनी के बाद कुछ युवकों ने एक शोरूम पर हमला कर दिया। हमले में शोरूम के मैनेजर को गंभीर चोटें आई हैं। हमलावर दुकान से करीब 50,000 रुपए की नकदी भी लूट कर ले गए। हिमाचल प्रदेश के मंडी में अवैध खनन पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन ने लिंक रोड पर ट्रैक्टरों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन को शिकायत सौंपी थी कि कंसा खड्ड में दिन रात अवैध खनन हो रहा है। हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ में मिठाई के शोरूम में पुलिस ने लाखों की ड्रग्स जब्त की है। पुलिस ने छापा मारकर इस जगह से भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद की, जिसकी कीमत करीब 70 लाख आंकी जा रही है। ड्रग्स के साथ पुलिस ने 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। वर्ल्ड कप से पहले खिलाड़ियों को तरोताजा करने के लिए भारतीय कप्तान धोनी ने अनूठी पहल की है। धोनी टीम के खिलाड़ियों ईशांत शर्मा और भुवनेश्वर कुमार के साथ एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए एडिलेड से 200 किलोमीटर दूर एक गाँव में पहुंच गए। बीसीसीआई की सालाना बैठक पर फैसला 8 फरवरी को लिया जा सकता है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इसे टाल दिया गया था। कोर्ट ने एन श्रीनिवासन को भी बोर्ड अध्यक्ष का पद या फिर चेन्नई सुपर किंग्स के मालिक में से किसी एक को चुनने को कहा है। मुंबई पुलिस ने अभिनेता अर्जुन रामपाल को गैंगस्टर अरुण गवली से बिना परमिशन मुलाकात करने के मामले में उससे पूछताछ की। अर्जुन डैडी नाम की फिल्म कर रहे हैं जिसमें वो गवली का किरदार निभा रहे हैं। रोहित शेट्टी की अगली फिल्म में वरुण के साथ रोमांस करने के लिए कृति सनान को साइन कर लिया गया है। रोहित की इस फिल्म से शाहरुख खान और काजोल एक बार फिर से साथ नजर आएंगे। अनुराग कश्यप और रणबीर कपूर एक और फिल्म में साथ काम करने की तैयारी कर रहे हैं। इसकी स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है। फिलहाल दोनों बॉम्बे वेलवेट में साथ काम कर रहे हैं।
निर्देशक अभिनय डे की फिल्म ऋतिक रोशन ने मोहन जोदारो की वजह से छोड़ दी। अब इस फिल्म में ऋतिक कुणाल कपूर को साइन किया गया है। ये फिल्म राकेश रोशन प्रोड्यूस करेंगे। अनुष्का शर्मा की फिल्म एनस्टेन की पहली झलक सामने आ गई है। फिल्म का पोस्टर कुछ ऐसे डिजाइन किया गया है कि फिल्म का सस्पेंस और थ्रिल दोनों ही बरकरार रहे। ये फिल्म बतौर प्रोड्यूसर अनुष्का की पहली फिल्म होगी। श्रीराम राघवन की फिल्म बदलापुर को सेंसर बोर्ड की तरफ से सर्टिफिकेट दिया गया है। सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म से कुछ सीन्स हटाने की मांग की हुई, लेकिन श्रीराम राघवन इस बात के लिए तैयार नहीं थे। अमिताभ के साथ फिल्म शमिताब में काम करने के बाद धनुष ने अब रणवीर सिंह और रणबीर कपूर के साथ काम करने की इच्छा जाहिर की। शमिताब उनकी दूसरी हिंदी फिल्म है और अब धनुष हिंदी फिल्मों का रुख लगातार कर रहे हैं। अजय देवगन की फिल्म शिवाय को लेकर फिलहाल रोक लगा दी गई है। सुनने में यह आया है कि अजय इस फिल्म को कनाडा में शूट करने वाले थे और वहां पूरे क्रू के साथ पहुंच भी गए थे, लेकिन खराब मौसम की वजह से उनको खासी दिक्कतों का सामना वहां पर करना पड़ा और वो वापस लौट गए।